हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज़। मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल डोसा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है आधा कप हरा मूंग दाल, जिसे रात भर भिगो दिया था मैंने। साथ में लिया है एक छोटा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। तो ग्राइंडर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ रख लेंगे ग्राइंडर में। ये बहुत ही हेल्दी होता है और साथ में बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो सारी चीज़ों को आप एक साथ ले लें। इसमें डालेंगे लगभग आधा कप पानी और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक आप पीस लें, जैसे कि हम डोसा बैटर बनाते हैं सेम वैसा ही। तो पीसने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसे एक बड़े बाउल में ले लें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार लें, और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ 2 चम्मच सूजी डाला है। सूजी से ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप एक बार मिक्स कर लें और इसे साइड में 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। सुबह के नाश्ते में आप इसे आराम से बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा था। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब हम डोसा तवा को गर्म करेंगे और शुरू करेंगे इसे बनाना। तो जैसे ही पैन गर्म हो जाए आप इसमें डाल लें अपना डोसा बैटर और हल्के हाथों से आप इसे इस तरह से स्प्रेड करते जाएं, जैसे कि नॉर्मली हम डोसा बनाते हैं। और अब जो है फ्लेम को हाई कर दें, और अगर आपको तेल नहीं खाना है तो आप तेल ना डालें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, लगभग 1 छोटा चम्मच। और ये बहुत ही झटपट बनके जो है डोसा तैयार हो जाता है। तो आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से आप इसे पका लें अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डोसा जो है बनके तैयार होने वाला है हमारा। तो थोड़ी देर इसे हम और सेक लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप हरे मूंग का बहुत ही बढ़िया डोसा बना सकते हैं। इसी तरह से बचे हुए बैटर के सारे डोसे मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।